दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यौन उत्पीड़न से घिरे जस्टिस गांगुली के साथ। और उससे पहले आज की तीन बड़ी खबरों की बात कर लें तो सबसे पहले यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसते जा रहे हैं जस्टिस गांगुली। इसी खबर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने और उसमें पहली नजर में उन्हें पीड़ित के साथ अप्रिय आचरण को दोषी पाए जाने के बाद जस्टिस गांगुली पर कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही है जहां पर एक शर्मनाक कांड सामने आया है। एक मंचला प्रोफेसर यहां सस्पेंड हुआ है एक छात्रा के साथ छेड़खानी की बात यहां पर सामने आई थी जिसके बाद इस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तीसरी खबर निफ्ट इंस्टीट्यूट से आ रही है जहां पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया है लेकिन इसके एवज में इसको सस्पेंड करने की बजाय इसको कॉलेज से बाहर निकालने के बजाय निफ्ट के इस असिस्टेंट डायरेक्टर का सिर्फ और सिर्फ तबादला ही किया गया है। आखिर इस तरह के मंचले लोग अगर रहें तो बेटियां आपकी या किसी की भी कैसे रहेंगी महफूज। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें लेकिन इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक के समाज में आपकी बेटियां अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो महफूज रहे भी तो कैसे रहे। एक तरफ जहां जस्टिस गांगुली जो कि लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते रहे हैं उन पर लगातार पीड़िता ने यह आरोप लगाया है और अब दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और पीड़िता को ईमेल करके कहा है कि वो जस्टिस गांगुली पर अपना केस दर्ज कराएं। वहीं दूसरी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं जहां पर एक प्रोफेसर का शर्मनाक कांड सामने आया है जिसके बाद इस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। अपने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। वहीं तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की दिखा रहे हैं जो कि निफ्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर तो है लेकिन इस पर भी कई छात्राओं से यौन शोषण यौन उत्पीड़न का आरोप है जिसके बाद निफ्ट ने कार्रवाई की है और कार्रवाई सिर्फ ये कि इसका तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया है। क्या ये उन छात्राओं के साथ न्याय है जिसका यौन उत्पीड़न इस शख्स ने किया था।